दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आपके फोन का जो नेविगेशन बार होता है, नीचे की साइड आपके जो तीन बटन होते हैं, बैक बटन होता है, रिसेंट टैब बटन होता है, होम बटन होता है, इस नेविगेशन बार में अगर आप अपना नाम लिखना चाहते हैं, किसी और का नाम लिखना चाहते हैं, तो उसको किस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अपने फोन के नेविगेशन बार में अपना नाम किस तरह से लिखा जाता है, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारा वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपने फोन के नेविगेशन बार में अपना या किसी और का नाम लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले तो उस एप्लीकेशन को आपको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी उस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल किया हुआ है, तो चलिए डायरेक्ट मैं आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करके दिखा देता हूं। जैसे आप फर्स्ट बार इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहां पर ऊपर की साइड सबसे टॉप पे आप देख सकते हैं साइड पे आपको छोटा सा बटन देखने को मिल रहा है, इस बटन को आपको इस तरह से ऑन कर देना है। जैसे आप इस बटन को ऑन कर देंगे, इसके बाद नीचे की साइड आपको कुछ परमिशन के बटन देखने को मिलेंगे, तो वन बाय वन करके सभी परमिशन हमें यहां से अलाउ करनी होगी। तो चलिए सबसे पहले ओवरले वाली परमिशन पर टैप करते हैं और इसकी परमिशन को हम यहां से अलाउ कर देते हैं। इसके बाद में फिर से बैक लेंगे, बैक लेने के बाद सेकंड वाली पे हम टैप करेंगे, इस पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से जितनी परमिशन आपसे मांगता है इसको आपको अलाउ कर देना है। इसको अलाउ करने के बाद आपको करना क्या दोस्तों कि यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर नीचे की साइड आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, नोवा टेक्स्ट स्लाइड शो, आपको इस पे टैप करना है। जिसे आप इस पे टैप करेंगे तो ऊपर आपको ऑफ पे टिक मार्क नजर आएगा, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ऑन पे टिक मार्क लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट नोट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे टैप करना है। अब इस पे टैप करने के बाद यहाँ पर आपको वो नाम लिख देना जिसे कि आप अपने नेविगेशन बार में शो कराना चाहते हैं। तो चलिए जैसे कि मैं यहाँ पर अपने चैनल नाम का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे एड कर देता हूँ, रजा टेक्नोलॉजी टिप्स RTT मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद आपको एड का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको एड पे टैप कर देना है। इसके बाद नीचे आपको क्लोज का बटन मिलेगा, आपको सिंपली ऐसे क्लोज कर देना है। जैसे आप क्लोज करेंगे तो नीचे की साइड आप देख सकते हैं कि RTT लिखा हुआ आ चुका है। अब इसका यहाँ पे आप स्पीड वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसका साइज वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि चलिए यहाँ पर कुछ ज्यादा छोटा साइज है, तो मैं इसको यहाँ से इस तरह से साइज को इंक्रीज कर देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं साइज इंक्रीज हो चुका है। अब इसके बाद में इसके एनिमेशन की स्पीड को आप कम या ज्यादा यहां से कर सकते हैं, जिस तरह की भी आप रखना चाहते हैं। इसके अलावा यहां पर इसकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप एनिमेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको अलग अलग तरह के एनिमेशन देखने को मिलते हैं, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है उस एनिमेशन को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद चलिए मैं आपको बैक लेके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर नीचे की साइड आप देख सकते हैं नेविगेशन बार में हमारा नेम यहाँ पे एड हो चुका है। तो यहाँ पे ब्लैक थीम की वजह से आपको सही से नजर नहीं आ रहा होगा। तो चलिए जैसे कि मैं मैसेज बॉक्स को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की साइड RTT आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से आप भी अपने नेविगेशन बार में अपना नाम लिख सकते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, या फिर जो भी नेम आप यहाँ पे एड करना चाहते हैं उस नेम को इस एप्लीकेशन की हेल्प से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।